इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बम्बई शहर, भारत का वो शहर जिसे माया नगरी कहते हैं। माया नगरी यानी अपने तरफ खींचने वाला शहर, दिल का शहर। हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आते हैं। इस शहर की खासियत भी यही है कि अमीर गरीब को दो वक्त की रोटी कमाई देती है। ये बात भी है कि फिल्म नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत के मुख्तलिफ गाँव शहरों से लोग बम्बई का रुख करते हैं, पर ख्वाब सिर्फ गिने चुने लोगों के ही कबूल होते हैं। किस्मत सभी का साथ नहीं देती, लेकिन जब किस्मत साथ देने पे आती है तो फर्श से अर्श तक का सफ़र भी मुश्किल नज़र नहीं आता। लिहाजा आज इसी तरह एक मुकद्दर का सिकंदर की बात करते हैं, जो बेलगाम शहर के वड़गांव निज़ामिया मोहल्ले से निकलकर मुंबई की माया नगरी में अपना सिक्का जमा लेता है और उसका नाम है मुजम्मिल देसाई। 2001 में वड़गांव विष्णु गली निज़ामिया मोहल्ला से बम्बई देखने गया और फिर उसे बम्बई ने अपना लिया। आज हम उन गुरबत की गलियों से निकलकर कामयाब बॉलीवुड डायरेक्टर तक का सफ़र कैसे तय किया, आज उनसे पूछते हैं। महज छोटी उम्र में कामयाबी की मंजिलें तय करता मुजम्मिल देसाई ने हाल ही में बेस्ट इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म डायरेक्टर बनने की राह पर है। भारत के मशहूर ड्रामों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। बालाजी टले फिल्म की, घर घर की कहानी, कसौटी जिंदगी की, कलश, क्या हुआ तेरा वादा, पवित्र रिश्ता और भी कई कामयाब टीवी सीरियल्स को बतौर डायरेक्टर कामों को अंजाम दिया है। आज बेलगाम वड़गांव में फैयाज सौदागर के घर में उनसे गुफ्तगू का मौका मैसर हुआ। आज उन्हीं की जबानी से सुनते हैं निज़ामिया मोहल्ला वड़गांव से बम्बई माया नगरी के कामयाब बॉलीवुड डायरेक्टर तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि तमाम पूरे मुल्क की नज़रें बम्बई पर होती है और बम्बई माया नगरी के नाम से जानी जाती है, वो माया नगरी जहाँ पर जाने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। लिहाजा बेलगाम शहर से भी एक शख्स यहाँ से बम्बई जाता है, किस्मत उसे मौका देती है और वो वहाँ पर आज बॉलीवुड के कामयाब डायरेक्टरों में उसका शुमार होता है। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल देसाई, जो बेलगाम वड़गांव के एक निज़ामिया मोहल्ले से निकलते हैं और वो यहाँ से बॉलीवुड के कामयाब डायरेक्टर तक का सफ़र कैसे तय कर किया उन्होंने। आज जितने भी सीरियल्स आते हैं उसके अंदर जनाब मुजम्मिल देसाई साहब उसमें वो डायरेक्टर का अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा उनके पूरे तजुर्बात क्या है, क्योंकि ये बेलगाम वालों के लिए भी ये बात है, मसरत है कि बेलगाम का, वड़गांव का कोई फ़र्द शख्स कम उम्र में उस मकाम तक पहुंचता है तो ये सभी के लिए खुशी की बात है। लिहाजा मुजम्मिल देसाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। लिहाजा आपका वड़गांव निज़ामिया चौक से, निज़ामिया मोहल्ले से बम्बई कामयाब डायरेक्टर तक का सफ़र बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया इकबाल भाई, आपने मौका दिया यहाँ पे आने का। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं मुंबई जाऊँगा। एक्चुअली पढ़ाई ख़त्म की यहीं पे, मेरे कुछ रिलेटिव थे, मेरे आपा थे वहाँ पे, आपा से मिलने के लिए गया था मैं रहने के लिए कुछ दिन के लिए। और जैसे आपने कहा कि मुंबई माया नगरी में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, तो वैसे ही था। वहाँ पर शुरुआत में अड़चने थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा अल्लाह ने आसानी कर दी थी कि मेरे पहचान वाले वहाँ पे थे इंडस्ट्री में, मेरे जीजा जी थे इंडस्ट्री में, तो उन्होंने किसी से बात कराई मेरी असिस्टेंट के लिए। तो बात होने के बाद भी कुछ करीबन 6-7 महीने में घर पर ही था, चीज़ें जल्दी होती नहीं है वहाँ पर, 6-7 महीने घर पर था। उसके बाद एक शो मिला मुझे कुछ झुकी से पलकें एज असिस्टेंट बालाजी टेलीफिल्म्स का, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं बालाजी में हूँ और कभी काम रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 2005 में मैं दुबई गया था, मुलाकात भी हुई थी मेरी वहाँ पे मुझे पहला मौका दिया बालाजी ने एज ए डायरेक्टर काम करने के लिए। उसके पहले मैं एज असिस्टेंट काम करता था बालाजी में। वो मेरे लिए मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे एक शो आता था ख्वाहिश, जो इंडिया में भी था, पाकिस्तान में भी चलता था और दुबई में भी चलता था। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद बालाजी में जब यहाँ मैं वापस आया दुबई से एक साल के बाद, तब बालाजी ने मुझे नए शोज देने शुरू कर दिए। डायरेक्टर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक होता है नॉर्मल डायरेक्टर जो एक रेगुलर शोज करते हैं, और एक होते हैं सेटअप डायरेक्टर्स जो शुरुआत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अब मेरी गिनती सेटअप डायरेक्टर्स में, बालाजी के करीबन 12-13 शोज़ में सेटअप कर चुका हूँ अब तक। तो यहाँ से एक्चुअली 20 साल की जर्नी बताना तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किलें थी लेकिन हिम्मत भी थी और यकीन भी था इंशाल्लाह कुछ करूँगा इसके लिए। जो बड़ी बड़ी सीरियल्स में भी आपने काम किया है जी, कैसे तजुर्बा? क्योंकि आज एकता कपूर ऐसा है कि वो किसी हाल में वो सीरियल कामयाब होता ही है, इस तरह का एक बना हुआ है जी। तो ये आपने वो बड़े डायरेक्टरों के साथ आपने जो अपना काम खिदमत अंजाम दी, तो मैंने मैंने एक ही डायरेक्टर के साथ काम सीखा है जिनका नाम है दीपक चौहान, उनसे ही मैंने काम सीखा है। सिर्फ 5 साल तक मैं उनके साथ था। उसके बाद में एक वक्त था, एक शो था पवित्र रिश्ता, जब टेलीविज़न पूरी तरह से चेंज हो गया था। पहले आप देखते थे टेलीविज़न में कि रात में लोग उठते हैं तो भी मेकअप में उठते हैं, लेकिन वो पवित्र रिश्ता से हमने चीज़ें चेंज कर दी। पवित्र रिश्ता बहुत नेचुरल शो बना था। अच्छा। मतलब आप जो आप और हमारे और आपके घरों में जो होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, कभी किसी टीवी सीरियल में ये नहीं दिखाया गया था कि आप सुबह उठकर पानी के लिए लाइन लगाते हो और वहाँ पे झगड़ा करते हो। ये सबके घरों में होता है, ये होता है तकरीबन घरों में होता है। तो वो शो ऐसा था जहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला, पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता के बाद, पवित्र रिश्ता में एकता मैम ने देखा था मेरा काम, उसके बाद में उन्होंने मुझे नए नए शोज देने ऑफर किए नेचुरलिज्म की वजह से। अच्छा, क्या एग्रीमेंट होता है कि बालाजी के साथ? हाँ, एग्रीमेंट होता है, बालाजी के साथ एग्रीमेंट होता है। लेकिन अब क्योंकि मैं तकरीबन 20 साल से हूँ वहाँ पे, तो शुरुआत में मेरा 2007 में मैंने कुछ नया शो किया था मेरा, तो दो साल एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब जो भी होता है वो एग्रीमेंट नहीं है, अब वो म्यूचुअल है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ एग्रीमेंट हो, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं उनको बोल देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं अभी। अब एक फैमिली रिलेशन हो गया ज़्यादा। नहीं, ये काम जो शख्स होता है, एक आम जो नागरिक है शहरी और एक सेलिब्रिटी, आप अब उस कैटेगरी में आते हैं कि सेलिब्रिटी की। हाँ, मुजम्मिल देसाई एक बॉलीवुड डायरेक्टर, क्योंकि मैं कल जब यहाँ आने से पहले थोड़ा होमवर्क कर रहा था कि विकिपीडिया पे जाके, तो एक कामयाब बॉलीवुड डायरेक्टर के तौर पर आपका नाम है, तो ये फ़र्क जो है आप कैसे महसूस करते हैं इसको? इकबाल, मैंने ना इस चीज़ को अपने आप पे कभी हावी होने नहीं दिया। मेरा मानना शुरू से ये रहा है और मुझे सिखाया भी यही गया है कि जिस दिन मैं ये मान लूँगा ना कि मैं कामयाब डायरेक्टर हूँ, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। आज भी जब मैं नए शो से खैर अलहमदिल्ला सेट करता हूँ, लेकिन शो सेट होने के बावजूद बाद भी जब एक कोई इम्पोर्टेंट सिक्वेंस होता है ना, मुझे डर लगता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि वो जब तक मैं सिक्वेंस ख़त्म नहीं करता मैं उस बारे में सोचते रहता हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो यही वजह है कि वो अलहमदिल्ला जो अल्लाह का एहसान है वो सीक्वेंस अच्छा हो जाता है जिस दिन। और सबके लिए मुझे लगता है, हर फील्ड के लिए है, जिस दिन हम लोग अपने आप को समझ लेना कि हम लोग सब सीख गए हैं या मैं बड़ा बन गया हूँ अपनी फील्ड में, हमारी ग्रोथ ख़त्म है। फिल्म इंडस्ट्री जैसा कि स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन, लेकिन आज जो है टीवी पर जितना कामयाब होता है उतना स्क्रीन का ये नहीं रहा, सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारा भी जो फील्ड है न्यूज़ चैनल का, जो पहले टीवी के ऊपर जो लोग जाकर देखते थे, अब वो यानी कि मोबाइल में देखते हैं। तो ये मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एक नशा का भी एक दौर चला, सुशांत सिंह राजपूत वगैरह मामला हुआ, तो ये कहाँ तक, जितना भी बताया जाता है, कहाँ तक सही है? सुशांत का उस मामले में खैर कुछ ना बोलूँ तो अच्छा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि जो भी नहीं, इंडस्ट्री क्या उससे है कनेक्टेड माफिया से? नहीं, एक तो क्या है, अभी फ़िलहाल बॉलीवुड में ना 3 स्टेजेस हैं जी। एक है फिल्म का, फिल्म लेवल, एक वेब लेवल और एक टीवी सीरियल से। तो मैं टीवी और वेब तक हूँ। फिल्म्स का तो खैर होती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन जितना बोला गया ना कि इतना पूरा इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसी पूरी इंडस्ट्री नहीं है। अभी भी आपको इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे जो नशा भी नहीं करते हैं, सिगरेट भी, स्मोक भी नहीं करते हैं। तो है, खैर जो लोग हैं वो हैं, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। नहीं, जितना ये फिल्म इंडस्ट्री हो या तो तुम्हारी टीवी इंडस्ट्री हो, इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? अब होना शुरू हो गया, अब सुशांत के बाद होना शुरू हो गया पॉलिटिकल। पहले नहीं रहा, चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन अब होनी शुरू हो गई हैं। अब शायद जो हमारे वेब सीरीज़ आ रही है उसमें भी सेंसर बोर्ड का दखल होगा, तो अब होगी चीज़ें। अब नए कौन से आने वाले सीरियल्स हैं आपके? अभी तो फिलहाल
मैं कर रहा हूँ मोल की कलर्स के लिए, कलर्स के लिए कर रहा हूँ मोल की। बालाजी के दो डिविजन्स है, एक है बालाजी टेलीफिल्म, एक है ओल्ड बालाजी। ओल्ड बालाजी एक ऐप भी है, आपने देखा होगा जी, जिस पे वेब सीरीज बनती है पूरी। तो मैं एक्चुअली दोनों जगह काम करता हूँ, बालाजी में और ओल्ड बालाजी में। अब फिलहाल मुझे बोला गया है जनवरी में एक स्टार प्लस के शो के लिए, जनवरी से होगा शुरू। अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी लास्ट मंथ ही मेरा एक शो लॉन्च हुआ है कलर्स पे मोल की। उसके पहले मैं कर रहा था बेबा की, जो ओल्ड बालाजी का अच्छा हिट काफ़ी हिट शो था, काफ़ी सराहा लोगों ने उसको, बेबा की शो। जैसा एकता कपूर टीवी की अभी वो क्वीन है समझ लीजिए, तो उन्होंने कई सारे फिल्में भी की, तो क्या मुजम्मिल देसाई फिल्म डायरेक्टर करने के बारे में सोच रहा है? हाँ, फिल्म ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, अगर मैं किसी भी फील्ड में हाथ रखूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस बारे में जानता नहीं जी। मैं फिल्म्स करने से पहले भी ब्रेक लूँगा अच्छे से फिल्म्स, क्योंकि हमारा मीडियम अलग है, फिल्म्स का मीडियम अलग है। फिल्म भी मैंने एक महीना किया था, फिल्म में गया था मैं, वो अलग वजह थी वो भी। लेकिन जब भी फिल्म करूँगा मैं अपना पहले स्टडीज़ करूँगा, अच्छी स्टडी करूँगा, उसके बाद जाऊँगा, ताकि अल्लाह वहाँ भी कामयाबी दे। जनाब मुजम्मिल देसाई साहब को बेस्ट इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से भी नवाजा गया, एक काफ़ी बड़ा यानी कि एक ज़र्रा नवाजी रहती है जो इन्हें वो मैसर हुई, उस ताल्लुक से भी वो कुछ बदल जी। अभी कुछ 8 दिन पहले ये अवार्ड मिला मुझे कसौटी जिंदगी के लिए, ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड 2020 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। कसौटी जब मैंने शुरू किया था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो कसौटी, क्योंकि एक तो एक होता है नया शो अपसेट, हर नया शो को कामयाब करना चैलेंजिंग होता है, लेकिन कसौटी आप जानते हैं कि कसौटी ऑलरेडी आके जा चुका है और वो ऑलरेडी हिट था बहुत। अब आप एक बेंचमार्क जिस शो ने बनाया उसको आप फिर से शुरू कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारियाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो वही था जब मुझे बोला गया, जब मुझे एक टाइम ने बोला कि कसौटी करना है, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन खैर अल्लाह पे भरोसा था, शुरू किया। अगर आप कसौटी के इनिशियल एपिसोड देखोगे तो वो इतना, मतलब मैंने बेबाकी से, अभी मैंने बेबाकी किया, उसके पहले मैंने इतना बड़ा शो कभी नहीं किया था, इतने बड़े स्केल पे कभी शो नहीं किया था मैंने। बहुत नॉर्मली जब शो शुरू होता था तो 30 जूनियर्स या जाते हैं, उस शो में 140 जूनियर्स, डांसर्स अलग, ये वो, बहुत बड़ा, बड़े बड़े स्केल पे शो था वो, बहुत मेहनत की मैंने। कुछ उस शो शुरू करने के 2.5 महीने तक मेरी आवाज़ ख़राब थी, चिल्ला के बोल के करके, तो उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला तो अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र। आपके यहाँ के मकामी दोस्तों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? हाँ खैर भाई, मैं बताएं बोल, मैं यहाँ पे मुझे लगता भी नहीं कि बहुत से लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ तो वैसे रहता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली है जी। मैं वहाँ पे एक अलग लाइफ जीता हूँ, यहाँ पे मैं आज भी अपनी फैमिली के लिए वही हूँ जैसे मैं जाने से पहले था, क्योंकि फैमिली की दुआ है ना, सबकी दुआओं से बनाऊँ, तो उनके सामने क्या एटीट्यूड दिखाऊँ मैं, क्या करूँ? खैर वहाँ शूट पे भी नहीं करता हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जो ने जो दिया अल्लाह ने दिया। दोस्तों से तो मिलता हूँ, लेकिन वही है, दोस्तों की कंप्लेंट्स है कि मैं मिल नहीं पाता उनसे, मैं आता हूँ 3-4 दिन के लिए और टाइम देना मुश्किल होता था। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जनाब मुजम्मिल देसाई साहब, जो कामयाब डायरेक्टरों में शुमार था, इन्हें बेस्ट आइकॉनिक इंटरनेशनल अवार्ड भी से भी नवाजा गया, लिहाजा आज वो कामयाब लोगों में है शुमार, जहां से ये वड़गांव जैसे निज़ामिया मोहल्ले से वो निकले और बम्बई तक का सफ़र तय किया, उस जगह पर जाकर पहुँचे और कामयाबी के परचम लहराए जहाँ पर लोग जाने के लिए बरसों ख्वाब देखा करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वो जो फिल्मों के बारे में भी सोच रहे कि फिल्म डायरेक्ट करें, उम्मीद है कि उसमें भी वो कामयाब होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।